કારતક સુદ છઠના દિવસે સુરત જિલ્લાના બારડોલી ખાતે પણ ઉત્તર ભારતીય સમાજ દ્વારા વિધિવત પૂજા અર્ચના કરાઈ હતી. ખાસ કરીને સંતાન પ્રાપ્તિ ન હેતુ સાથે બારડોલીના ઉતારા ગામની સીમમાં મેઢોળક નદી ખાતે આયોજન કરાયું હતું. દિવાળીના તહેવાર બાદ કારતક સુદ છઠનો દિવસ હોય ઉત્તર ભારતીય સમાજમાં તેનું અનેરું મહત્વ હોય છે, ત્યારે સુરત જિલ્લાના બારડોલીમાં પણ છઠ પૂજા કરવામાં આવી હતી. સુરત ભારતીય ઉત્તર ભારતીય સમાજ દ્વારા બારડોલીના ઉતારા ગામની સીમમાં મેઢોળા નદી નજીક આયોજન કરાયું હતું. બારડોલીમાં પણ મોટા પ્રમાણમાં ઉત્તર ભારતીય સમાજ પણ વસવાટ કરતો હોય સામૂહિક રીતે છઠ પૂજા કરી હતી. आपका स्वागत करते हैं और पिछली लाइन में बैठे हुए सभी महानुभाव अभी दीप प्रागट्य करके मंच पर फिर विराजमान हो. सभी महानुभाव से विनती करता हूं कि मंच के नीचे अलग स्टेज बनाया गया वहां जी. जय सूर्यदेव भगवान की जय. ये हमारा पर्व जो है उत्तर भारतीय का उत्तम पर्व है, बहुत पावन पर्व है. इससे संतान प्राप्ति और कुछ भी बाधा होती है वो व्यक्ति वो अधिक से अधिक शुभकामनाएं के लिए ये पर्व किया जाता है. आज किस तरह का आयोजन किया? आज तीन दिन से हमारे सभी कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं चार दिन से. और इस पर्व पहला पर्व ऐसा है कि जिसमें माताओं बहनों तीन दिन से कुछ भी खाए पिए बगैर निर्जला उपवास किया जाता है. उसके बाद सूरज भगवान का डूबता हुआ सूरज का पूजा होती है. और ये पहला त्यौहार ऐसा है कि जिसमें डूबते हुए सूरज का पूजा किया जाता है. उसके बाद कल सुबह 6 बजे उगता हुआ सूरज का पूजा होगा. उसके बाद ये पर्व का समाप्ति होगी. हेलो, मेरा नाम सुभाति है. आज की पूजा का महत्व है कि हम लोग अपने संतान प्राप्ति के लिए ये पूजा रखते हैं और दुख जो होता है उसको दूर करते हैं. शाम के पूजा होता है जो सूर्य भगवान डूबते हैं उसको हम लोग अर्घ देते हैं. सुबह में उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं.